यहाँ पे तलजाई पे आए थोड़ा सा घूमने के लिए, तो ये हाल हो गए हैं मेरे शूज के। अगर उनको देखना है तो थोड़ा सा साइलेंट रहना पड़ेगा। 22 अगस्त को इंडिया में रिकॉर्ड ब्रेक ऐसे कोरोना के केसेस मिले। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी ये थोड़ा सा ये है भाई, ये तो वीडियो जाने वाला है, तो जो बोलना है वो मुझे कुछ पता नहीं है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 23 अगस्त और सुबह के बजे है 9, मतलब 9:15 हो गए। और मेरे साथ नीलेश है, सामने देख लो। तो नीलेश और मेरे कुछ दोस्त है, संकेत है और सैंडी। संकेत भाई परत एक बार प्लीज डालो। तो यहाँ पे तलजाई पे आए थोड़ा सा घूमने के लिए सुबह सुबह। तो गाइस, ये है तलजाई जंगल और यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे लगाए थे इस बार, तो ये पूरे नए वाले हैं। तो यूजुअली हम यहाँ पे रनिंग करने के लिए आते हैं और, लेकिन आज थोड़ा सा वॉक करेंगे, इसलिए सोचा कि ब्लॉग बनाओ। बोल ना भाई, तो ये कुछ तो दिखा रहा है मुझे। कसं काय लेक्चर आहे तो गाइस, पूरा यहाँ पे ये हो गया है, कीचड़ हो गया है यहाँ पे, फिर भी मज़ा आ रही है चलने के लिए। इतना यूजुअली नहीं होता है और अंदर की साइड में तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो गाइज, यहाँ पे मैंगो का पेड़ लगा दिया है यहाँ पे, तो ये सामाजिक वनीकरण के अंडर आता है। तो गाइज, यहाँ पे सुबह 5 बजे से शुरू होगा और 5 बजे से लेकर 9 बजे तक अलाउड है, तो आप यहाँ पे घूमने के लिए आ सकते हो अगर आप पुणे से हो तो। मैंने कुछ ये नहीं लाया था कैमरा वगैरह, तो फ़ोन से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो आवाज़ की थोड़ी दिक्कत आ सकती है। और मेरे साथ अभी सैंडी है, संदीप मेरे दोस्त। नीचे आप देख सकते हो पूरा कीचड़ हो गया है। तो ये हाल हो गए हैं मेरे शूज के, क्योंकि पूरा इधर ऐसे ही हो गए हैं।
तो गाइज अभी यहाँ से पीछे की साइड से आ गया हूँ मैं, और ये साइड में एक रोड जाता है और ये साइड में एक जाता है और ये साइड में एक जाता है, तीन जाता है। तो ये जो है यहाँ से सीधा जाएंगे गोल राउंड मारुनिताल, तो यहाँ से एक गोल राउंड है सीधा, यहाँ से अगर जाएंगे तो इधर ही आ सकते हैं वापस, या फिर सामने जा सकते हैं और सामने से फिर इधर आ सकते हैं। तो ये ऐसा सर्कल है, ये जो पूरा तलदाई का जो ये है फॉरेस्ट है पूरा सर्कल में आता है वैसे तो। और ये टोटल अगर जो बड़ा इसका जो राउंड है तो वो है बड़ा ट्रैक 8.5 किलोमीटर या 9 किलोमीटर के आसपास होता है वो, और बाकी के जो है ऐसे बीच बीच में अगर रास्ते फूटते हैं ना तो 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर ऐसे हिसाब से ये है इधर ट्रैक है। ट्रैक मतलब ये जंगल का रास्ता बोल सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा पूरा ग्रीन है, और ये तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे ये पानी के लिए यहाँ पे हाउद बोल सकते हो आप, यहाँ पे जो बर्ड्स या फिर कोई भी एनिमल होता है उनके लिए वो पानी रखा है, और सामने भी है। तो यहाँ पे मोर काफी है इस फॉरेस्ट में, तो मस्त लगता है यार इधर ऐसा एकदम, आप देख लो कितना मस्त है पूरा हरा भरा एकदम ग्रीन। संदीप ज्यादा एक्चुअली बात नहीं करता है, थोड़ा सा हिंदी का प्रॉब्लम है, तो मराठी मध्ये बोलू शकतो भाई बोल। गेल्या वर्षी लावली ते कोणते ते झाड, गेल्या वर्षी लावलं। तो अब देख लो यहाँ पे ये जो है ये पिछले बारी लगा है, ये पेड़ कौन से पता नहीं, थोड़ा सा अंदर जाता हूँ। देखो अभी मोर की आवाज आ रही है, तो और यहाँ पे थोड़ा सा लेक बनाया है छोटा सा, तो गाइज इतने अंदर कभी आता नहीं हूँ मैं, हम नहीं आते, हम सीधा ये जो ट्रैक है उसके ट्रैक से चले जाते रनिंग करते समय। तो अभी यहाँ पे और आगे है, तो ये जो जगह है यहाँ पे बीच में थोड़ा सा जगह बना दिया है, तो ये है योगा करने के लिए। तो लोगों को ट्रैक पे थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, तो यहाँ पे कुछ लोग आते हैं और यहाँ पे योगा करते हैं सुबह के टाइम पे, तो साइलेंट रहता है इधर, तो काफी बटरफ्लाइज वगैरह है। तो आपको कैमरा नहीं लाया, थोड़ा सा उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे ये जाली है, और यहाँ पे इसको नया वाला पेड़ लगा, तो ये साइड में मोर है काफी, आपको आवाज आती होंगी, तो अंदर की साइड में काफी मोर है, अगर उनको देखना है तो थोड़ा सा साइलेंट रहना पड़ेगा। देखता हूँ मैं, कोशिश करता हूँ, अगर दिख गया तो देखते हैं, थोड़ा सा वेट करता हूँ।
तो गाइज अगर आपको पता नहीं होगा तो कल 22 अगस्त को इंडिया में रिकॉर्ड ब्रेक ऐसे कोरोना के केसेस मिले जो कि थे आई थिंक 69,000। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे ये बताया, यहाँ पे ये जो एनिमल है यहाँ पे नहीं है टाइगर, तो यहाँ पे सिर्फ बताया कि 4.5 किलोमीटर यहाँ पे कंप्लीट हो गए ये पॉइंट पे। अगर पूरा राउंड लेते हो तो जो मैंने बताया था ना कि राइट साइड में टर्न है, तो वहाँ से यहाँ से हम लेफ्ट टर्न मारे तो हमारे लिए सिर्फ अभी 2 किलोमीटर के आसपास हो गया है। लेकिन कैसा है जब आप शूट करते हो तो वॉक करते करते शूट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए मेरे जो दोस्त थे नीलेश वगैरह थे वो सामने चले गए, मैं और सैंडी अभी पीछे रह चुके हैं सिर्फ शूटिंग के लिए। तो गाइज अभी ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करता हूँ मैं, अभी सीधा मिलते हैं बाहर क्योंकि सारा जंगल सेम है तो दिखाने के लिए वैसा कुछ नहीं है ज़्यादा, लेकिन घूमने के लिए काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। आप आ सकते हो सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम पे, शाम को 4 से 7 बजे तक उसके टाइमिंग है, आप यहाँ पे आकर थोड़ा सा घूम सकते हो। तो लॉकडाउन के टाइम में ये जगह अच्छी है, आप बिना मास्क नेचर के अंदर आप घूम सकते हो। भाऊ नीलेश दिसला म्हणून तो गाइस पीछे से हम ऊपर आ चुके हैं अभी, और यहाँ से शॉर्टकट है तो सीधा अभी ये वाला जो शॉर्टकट है ये सीधा रोड की तरफ जाता है, गेट की तरफ जाता है मेन। तो फाइनली बाहर निकल रहे हैं हम। तो अभी बाहर निकल गए, तो यहाँ पे ये टाइम है 5 से 9 बजे तक। मैं पण एकदम पण झाला तो गाइस यहाँ पे हर एक प्रकार के जूस मिलते हैं। अभी मैं लींबू शरबत ले रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे बीट अवेलेबल नहीं है, और दूसरा आंवला वगैरह मुझे नहीं लेना है। ये भाई इसको बीट मिला है। तो गाइज गेट के बाहर आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे जूसेस मिलते हैं, उसके साथ में स्प्राउट्स मिलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, काफी सारे शॉप्स है, स्नैक सेंटर है, तो कुछ इस तरीके से है यहाँ पे। तो गाइज अब हम निकल रहे हैं सीधा घर के लिए। तो गाइस अभी वापस जा रहे हैं हम, मिलते हैं शायद रूम पे या किधर रूम पे मिलते हैं। चलो कोई नहीं,